नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हमने द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व पर चर्चा की थी कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का क्या नाम था। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की, यानी इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो कविता संसार था या जो रचना संसार था उसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। आपके पाठ्यक्रम में गुप्त द्वारा रचित साकेत जो महाकाव्य है उसका अष्टम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, उसकी व्याख्या दी गई है। इस साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के विषय में बताया गया है और बीच में कहीं पर थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी कहानी दी गई है। ठीक, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्या पढ़ने में या व्याख्या करने के लिए, व्याख्या तैयार करने के लिए। ठीक, तो देखिए इस सर्ग में, मतलब जो साकेत का आठवां सर्ग है उसमें क्या है, साकेत के अष्टम सर्ग में चित्रकूट का प्रसंग है। किसका प्रसंग है? चित्रकूट का है। कुटिया में निवास करते हुए जो घास फूस कुसी कास से बने हुए जो कुटिया है उसमें निवास करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और मां जानकी, मतलब सीता, उसी पर्णकुटी में आनंद में जीवन की झांकी की प्रस्तुति की गई है कि झांकी का यहां पर वर्णन किया गया है। और सीता इस पर्णकुटी कुटिया में ही राजसुख का अनुभव प्राप्त कर रही हैं कि इस कुटिया में भी हमें राजभवन सारी की तरह सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी से जुड़ा है वो प्रसंग जहां पर भरत सब समाज के साथ राम को मनाने के लिए गए ये जाते हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनका समाधान कर देते हैं। और यही सीता बड़े योग से लक्ष्मण और उर्मिला को भेंट कराती हैं, उनकी भेंट कराती हैं, उनको मिलवाती हैं। तो ये प्रसंग भी बहुत ही भावपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं साकेत के अष्टम सर्ग के अंतर्गत दी गई व्याख्या। देखिए कि निज सौंध सदन में उज्ज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन आया। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। घन तुच्छ यहां यद्यपि असंख आकर हैं, पानी पीते मृगशिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहां लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन आया। ठीक, ये पंक्तियां हैं आपकी। तो सर्वप्रथम व्याख्या करते समय हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम संकेत लिखते हैं। उस संकेत का अर्थ यह है कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं, जिन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं, तो संकेत के अंतर्गत उन पंक्तियों का प्रथम शब्द और डॉट डॉट करके अंतिम शब्द लिखा जाता है ताकि यह पता चले कि आप किस पद की या किन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या में संकेत, संकेत के बाद में संदर्भ और प्रसंग, इसके पश्चात व्याख्या और फिर विशेष, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आता है।
संकेत, संकेत में क्या लिखेंगे, निज सौंध सदन, इसके पश्चात में डाट 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 कर देंगे और फिर क्या लिखेंगे, मन भाया। ठीक, संकेत के पश्चात में आता है संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, चलिए पहले बता देते हैं एक बार, प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से अवतरित हैं। ठीक, ये आपका संदर्भ हो जाएगा और इसके पश्चात में इसी में आगे प्रसंग जोड़ देंगे कि कैकेयी की कृपा के कारण ही सीता जी को ही बन जाना पड़ा था और उन्हें अपने पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर अपना निवास बनाकर आनंद का अनुभव किया था हैं? और सीता उस पर्णकुटी को ही राजभवन के समान समझती है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसंग। इसके पश्चात में फिर आती है आपकी क्या, व्याख्या। देखिए व्याख्या में देखिए कि निज सौंध सदन उर्ज पिता ने छाया, इसके कुछ कठिन शब्द हैं, दो चारों देख लीजिए। सौंध सदन माने महल, ठीक, उर्ज माने कुटिया और आकर माने भंडार या खजाना। ठीक, ये आपके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो। तो क्या है कि निज सौंध सदन में उर्ज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन आया। सीता जी कहती हैं क्या कि निज मतलब अपने, मेरे पिता जनक जी बैरागी होकर भी अपने राज प्रसाद महल में भी कुटिया बना करके रहते थे। जनक जी का बहुत बड़ा राजमहल था लेकिन वहां पर भी वो कुटिया बना करके रहते थे, किंतु इसी के विपरीत मेरी कुटिया में राजभवन आया, लेकिन इसके विपरीत मेरी इस कुटिया में राजभवन के सभी साधन उपलब्ध हैं, तो मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होती। इस कुटिया में भी मैं राजभवन का अनुभव कर रहा हूं, राजभवन की के सुख की प्राप्ति कर रही हूं। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, प्राणेश मतलब प्राण इस हमारे पति देव, तो मेरे जो प्राणेश हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस राजभवन के क्या हैं, सम्राट हैं, राजा हैं, और प्राणेश और सचिव देवर हैं और जो उनके छोटे भाई हैं वो उनके व्यक्तिगत सचिव हैं। कौन, लक्ष्मण। देते आकार आकर आशीष हमें मुनिवर हैं, यद्यपि यहां के जो मुनिवर लोग हैं वो हमें आकर के आशीष नित्य आकर के आशीष प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। घने तुच्छ यहां यद्यपि असंख्य आकर हैं, यद्यपि यहां पर अनेक खाने हैं, आकर मतलब खाने मतलब भंडार, यद्यपि यहां पर अनेक भंडार ग्रह हैं तथापि किसी को किसी के धन की आवश्यकता नहीं है, किसी को धन की इच्छा नहीं है। उसे यहां पर तुच्छ माना जाता है, घन तुच्छ यहां,
धन को एकदम से यहाँ पर तुच्छ माना जाता है। पानी पीते मृगसिंह एक तट पर है, और यहाँ की ये प्रथा है कि रक्षा यहाँ पर की रक्षा एवं जो राज प्रभाव का ये नमूना है, ये प्रमाण है कि एक ही घाट पर पानी पीते मृगसिंह एक तट पर, यहाँ पर मृग सिंह हो या हिरण हो, हालांकि ये आपस में दोनों शत्रु हैं, लेकिन सिंह और मृग दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। सीता रानी को यहां लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन आया। इस प्रकार मां जानकी यानी सीता जी को यहां आकर लाभ ही प्राप्त हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। यहां पर आकर के सीता जी को लाभ ही प्राप्त हुआ है, ठीक। अतः मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, अतः मेरी कुटिया में राजभवन आया है, मैं इस कुटिया में पर्णकुटी में राजभवन का अनुभव कर रही हूं, उसका सुख प्रदान कर रही हूं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई व्याख्या। इसके पश्चात में फिर आपका आता है क्या विशेष, देखिए विशेष के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि सुख और दुख, नंबर एक सुख और दुख दोनों मन के विकल्प हैं, ठीक है। इसी कारण या इसी आधार पर सीता को वनवासी जीवन भी आनंदमय प्रतीत हो रहा है, ठीक। और दूसरी जो विशेषता क्या है कि यहां पर अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग है, ये आपका विशेष हो गया, ठीक। चलिए इसके आगे देखिए कि औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं, श्रमवार बिंदु फल स्वास्थ्य सुच फलती हूं, अपने अंचल से व्यंजन आप ढलती हूं, तनु लता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन आया। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग संकेत, संकेत में क्या लिखेंगे औरों के हाथों, ठीक औरों के हाथों। इसके पश्चात में डाट 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 करके क्या लिखेंगे मन भाया, ये आपका संकेत हो गया। फिर आपका संदर्भ और प्रसंग, जैसे अभी हमने बताया कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई हैं। और प्रसंग में आगे कि यहां पर या इन पंक्तियों में सीता जी अपने आप को स्वावलंबी समझती हैं, और स्वावलंबन के ऊपर उनको अपने आप पर गर्व है कि मैं स्वावलंबी हूं, ठीक। इसके पश्चात में फिर आपकी आती है क्या व्याख्या। तो चलिए देखिए व्याख्या कि औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। सीता जी कहती हैं क्या कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यहां पर पालित नहीं हो रही,
औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। मतलब सीता जी कहती हैं कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर पालित नहीं हो रही हूँ, यहाँ पर निवास नहीं कर रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, यहाँ पर मैं स्वयं पोषिका एवं स्वावलंबनी हूँ, मैं अपने आप पर ही निर्भर हूँ, मैं यहाँ पर स्वयं पोषिका हूँ और स्वावलंबनी हूँ, श्रमवार बिंदु फल स्वास्थ्य सुच फलती हूँ। श्रमवार बिंदु मतलब पसीने की बूंद से जो परिश्रम से बाहर आता है, कि मैं अपने स्वास्थ्य रूपी सीपी के प्रस्वेद मतलब पसीना बिंदु रूपी मुक्त फल को उत्पन्न करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य रूपी सीपी के प्रस्वेद बिंदु रूपी मुक्त फल को उत्पन्न करती हूँ, अर्थात मैं अपना पसीना बहा करके परिश्रम करती हूँ और स्वस्थ रहती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप ढलती हूँ, अपनी साड़ी के अंचल को ही पंखा मानकर उससे हवा कर लेती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप ढलती हूँ, मैं अपनी साड़ी को अंचल अपनी साड़ी के अंचल को ही पंखा मान करके उससे हवा कर लेती हूँ, तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया। इस प्रकार मेरे शरीर रूपी लता से ने जो शरीर सफलता रूपी जो स्वादिष्ट फल आज ही मुझे प्राप्त हुआ है, इस प्रकार मेरे शरीर रूपी लता ने सफलता रूपी स्वादिष्ट फल आज ही प्राप्त हुआ है, मेरी कुटिया में राजभवन आया, मेरी इस कुटिया में इस कारण राजभवन उगाया है, मैं यहां पर किसी के भरोसे नहीं हूं। ठीक, समझ में आया। चलिए देखिए फिर इसमें क्या लिखना है आपको। विशेष, विशेष में क्या लिखेंगे कि नंबर एक यहां पर या इन पंक्तियों में सीता जी स्वावलंबिनी हैं। ठीक, नंबर दो अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या हुई। ठीक, तो बस आज की क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे लगातार व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।